जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सिता कॉटन लिमिटेड कंपनी को। एक्सिता कॉटन पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहने वाला स्टॉक बन गया है। वजह यह है कि पिछले दिनों स्टॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, तब उन लोगों ने डिविडेंड और बोनस देने की बात कही थी। जब से डिविडेंड और बोनस वाली बात निकलकर सामने आई है, स्टॉक काफी चर्चा में है। वैसे भी ये स्टॉक काफी तेजी से ग्रो करने वाला स्टॉक है। छोटे से पेनी स्टॉक से स्मॉल कैप श्रेणी में ये स्टॉक शिफ्ट हो गया है और अब ये कंपनी कहीं ना कहीं मिड कैप श्रेणी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी ग्रो करे तो उसकी ही बात ज्यादा होती है। इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे कंपनी के डिविडेंड और बोनस की बात करेंगे। डिविडेंड का तो खैर डेट अगस्त में था, डिविडेंड लोगों को मिल गया होगा जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल रहे होंगे। इस वीडियो में बात बोनस पे होगी। बोनस का जो भी डेट था रिकॉर्डेड वो सामने निकल कर आ गया है, मैं बताऊंगा डेट क्या है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि उस डेट के पहले तक इस कंपनी के शेयर्स को बाय नहीं कर पाया, फिर भी इस कंपनी के बोनस शेयर्स को प्राप्त करना चाहता है, तो कैसे बोनस शेयर्स का लाभ ले सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के लिए इंडिया वेबसाइट पर और यहाँ पे पहले हम लोग इस कंपनी का डिटेल्स ले लेते हैं, बाकी चीजों को आगे समझेंगे। देखिए, बेस इंडिया वेबसाइट पर एक्सिता कॉटन लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी रेड फ्लैग इस स्टॉक में नहीं है, यानी कि जो छोटे स्टॉक्स में सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है या तो स्टॉक ईएसएम या जीएसएम कैटेगरी में देखने को मिलता है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए स्टॉक में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि फिलहाल कोई निगेटिविटी नहीं है और सिर्फ पॉजिटिव खबर इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया कि एक तेजी और ग्रोथ इस स्टॉक में है ही, और ग्रोथ के साथ साथ कंपनी ने जो कॉर्पोरेट एक्शंस किए हैं जैसे बोनस और डिविडेंड जैसी बात निकलकर सामने आई है, उसके बदौलत स्टॉक लगातार तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे नीचे आइए। सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे अभी मार्केट ओपन है तो आप देख सकते हैं ओपन मार्केट में, मैं लाइव पोजीशन दिखा रहा हूँ मार्केट डेप्थ में, कि जो बाई करने वाले लोग हैं इनकी संख्या ज्यादा है जो सेल करने वाले लोग हैं उनकी तुलना में, यानी कि 21,18,000 शेयर्स बाइंग ऑर्डर में लगे हुए हैं जबकि सेल करने वाले सिर्फ 5 लाख के आसपास ही लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी कंपनी में बायर्स ज्यादा हो तो वो ये चीज को दर्शाता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, स्टॉक में ग्रोथ है और ये सब पॉजिटिविटी दिखाती है। तो ये एक मतलब पॉइंट था इस स्टॉक में जो मैंने आपको बताया कि आपको भरोसा हो कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं मेन चीज की जिसके लिए ये वीडियो आज बनाया जा रहा है, यानी कि कॉर्पोरेट एक्शंस जो हैं उसके। तो देखिए, मैंने कॉर्पोरेट एक्शंस यहाँ पे ओपन किया हुआ है। कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको देखने को मिलेगा कि बोनस कंपनी ने 1:3 का देने का अनाउंसमेंट किया था। उसके लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, अब तो खैर सेम ही हो गया है तो आप एक्स डेट को रिकॉर्ड डेट भी कह सकते हैं, वो रखा गया है 20 सितंबर को। यानी कि 20 सितंबर के पहले तक जिस व्यक्ति ने भी इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया होगा वही व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल होगा इस कंपनी के बोनस शेयर्स को पाने के लिए। अब बहुत पहले से भी लोगों के पास शेयर्स होंगे, जाहिर सी बात है, तो 20 सितंबर 2024 के पहले से ही बाय करके बैठे हैं, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको ये बोनस शेयर्स मिल जाएगा तकरीबन 25 से 45 दिनों के अंदर तक। सामान्यतः ऐसा होता है कि 25 से 45 दिनों के अंदर तक कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस होता है तो फुलफिलमेंट होता है, यानी कि आपको 45 दिनों के 20 सितंबर से 45 दिनों के अंदर तक आपको इस कंपनी के बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। ध्यान देना है कि हर एक 3 शेयर पे एक एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलेगा, यानी कि यदि आपके पास 3 शेयर्स हैं तो टोटल 4 शेयर्स हो जाएंगे, और यदि किसी व्यक्ति के पास 5 शेयर्स हैं तब आप ध्यान दीजिएगा तब भी उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बोनस शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि हर एक 3 पे एक एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि आपके पास यदि 6 शेयर्स हैं तब 2 मिलेंगे, 3 के मल्टीपल में जितने शेयर्स होंगे उसके हिसाब से आपको बोनस वाला एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 3 से ज्यादा जितना है उतना ही बोनस शेयर्स आपको मिलेगा। तो ये तो काम की बात यहाँ पे आप समझ गए। अब बात करते हैं ऐसे लोगों को जिनका अभी तक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्या उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक्सिता कॉटन काफी कमाल का स्टॉक है। आप सिर्फ इस कंपनी के बोनस और डिविडेंड पे मत जाइए। हालांकि ये कंपनी इतनी शानदार है कि लगभग हर एक साल कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन स्टॉक करता है, या तो एक स्टॉक आपको डिविडेंड दे देगा या बोनस दे देगा। ये ज्यादातर बोनस और डिविडेंड यही दो चीज स्टॉक में आपको देखने को मिलता है। तो यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर एक साल इस चीज का तो बेनिफिट मिलेगा ही, प्लस प्राइस एप्रिसिएशन यानी कि जो कंपनी का शेयर प्राइस साल दर साल बढ़ता है इसका भी लाभ आपको मिलेगा। प्लस कंपनी काम क्या करती है मैं यदि बताऊं तो कॉटन यार्न बनाती है। कॉटन कहने का मतलब आसान भाषा में कहें तो कपास या रुई जिसको आप कहते हैं। ये काफी कमाल का चीज होता है क्योंकि इसका यूज लगभग हर एक चीज में किया जाता है, चाहे हम बेडशीट, पर्दे, कपड़े बनाने की बात करें या चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, स्वच्छता और जो सौंदर्य के सामान होते हैं उसमें भी ये कॉटन का यूज होता है। तो ये इतनी अच्छी चीज है कि इसका डिमांड हमेशा रहेगा, और जिस चीज का डिमांड हमेशा हो उस कंपनी में यदि आप पैसा लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा ग्रो करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बाइक करके चल सकते हैं। उसके लिए लेवल का ध्यान देना होगा किस लेवल पर बाइक करना है। तो यदि आप नया बाइक करने जा रहे हैं तो आप इस लेवल
लेवल के ऊपर यानी कि जो 18 रुपए का लेवल है इसके ऊपर निकलने के बाद जब इसका प्राइस 18 रुपए के ऊपर निकले तो यहाँ पे आप बाइक कर सकते हैं। फिलहाल अभी शेयर कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि अभी क्या है कि कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो प्राइस के एडजस्टमेंट होगा, इसलिए अभी थोड़ा सा इसमें और समय बिता सकते हैं इस रेंज में। हालांकि निकलेगा तो प्राइस इसके ऊपर ही जाएगा, ये फिक्स है, और जब ऊपर जाए तो 18 रुपये के ऊपर आप चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं, नया बाय इस स्टॉक में करके चल सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करें तो एक्सिता कॉटन एक बढ़िया स्टॉक है, हर एक चीज़ इसमें, चाहे काम की बात करें या फंडामेंटल की बात करें, टेक्निकल की भी बात करें, सभी चीज़ इस स्टॉक से बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप कंसिडर करके चल सकते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।